सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप जी का एक बार फिर तो आप जी के अपने चैनल लिव जीत टीचिंग विद लिव जीत। जिस तरह की आप जी जानते हो किस एमए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर सेकंड आप जी नाल पहले भी बैंथम नाल संबंधित वीडियो शेयर की सी, आज आप जी नाल जेएस मिल नाल संबंधित वीडियो जी है शेयर कर जा रहे हाँ। यूनिट सैकेंड की फस्ट वीडियो है। तो जिस तरह की बैंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत पेश किया सी, उस तो बाद जे एस मिल द्वारा उपयोगितावाद के सिद्धांत में पेश किया गया। परंतु इतने सोचने वाली गल यही है कि दोनों ने ही उपयोगितावाद के सिद्धांत में पेश किया, तो इस सिद्धांत अजिहा की सी, तो सिर्फ इन्ना ही डिफरेंस है दोनों की उपयोगितावाद के सिद्धांत विच कि बैंथम द्वारा जो उपयोगितावाद सिद्धांत दिता गया सी आलोचकों द्वारा उस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई, और जे एस मिल द्वारा उपयोगितावाद के सिद्धांत को दोबारा तो शोध करके पेश किया गया। इस करके रीस्टेटमेंट का जो सिद्धांत है जब जे एस मिल द्वारा जोड़ा वो पेश किया गया, क्वेश्चन आप जी घुमा के दो तीन तरीक भी पूछा जा सकता है कि बैंथम के उपयोगितावाद में शोध कर मिल की नीति के बारे में विचार चर्चा करो, जा मिल द्वारा उपयोगितावाद ते पुनर विचार जड़ा वो पेश करो। कुछ भी एग्जामिनर आपनू पूछ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हाँ। सब तो पहले इंट्रोडक्शन आप जी नू वैसे ही वर्बली दे देंदे हाँ कि जे एस मिल द्वारा उपयोगितावाद पेश किया गया उसनू रिविजनिज्म के नाम नाल भी जाना जाता है, क्योंकि जे एस मिल ने इस सिद्धांत नू बदलाव शोध करके पेश किया। तो जे एस मिल के सिद्धांत उपयोगितावाद में रिविजनिज्म के नाल 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 भी जाना जाता है, क्योंकि यह बैंथम की थ्यूरी का ही बदलिया होया रूप है। जे एस मिल ने यूटिलिटरिज्म बुक विच इस सिद्धांत बारे पेश किया और अपने विचार पूरी सुदृढ़ता नाल पेश किए, क्योंकि आप जी नू बैंथम बारे पहले ही दस चुके हैं पहली वीडियो दे विच कि जे एस मिल के पिता जेम्स मिल अते बैंथम आपस में दोस्त सन। इस करके जे एस मिल के फादर चाहते सन कि जे एस मिल जड़े हैं वह बैंथम के वांग ही एक उच्च दार्शनिक बनन, इस करके उन्होंने जी पढ़ाई का प्रबंध है वह घर में ही किया गया। परंतु जे एस मिल जो जिन्होंने बाहर की दुनिया में देखा नहीं सी, उन्होंने जो भी बैंथम के रूप में एक अध्यापक के रूप में जो भी देखा जो भी उसनों परखिया उसनों ही अगे लैके आए। अते यह भी कहा जाता है कि बैंथम नू प्रोटेक्ट करने वाले भी जे एस मिल ही सन, क्योंकि उन्होंने वो उन्होंने बहुत नज़दीकी सन, उन्होंने स्टूडेंट भी सन, उन्होंने फादर के दोस्त भी सन। इस करके उन्होंने उन्होंने उपयोगितावाद नू आलोचकों द्वारा जो आलोचना की गई सी उसनू खत्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उस विच शोध करके उन्होंने उपयोगितावाद नू एक जो है वह नवा रूप दिता। बैंथम ने जो उपयोगितावाद पेश किया सी उन्होंने सारा ही उपयोगितावाद दो शक्तियों के आले दुआले घुमा दिता। उन्होंने मानना सी कि प्लेजर और पेन सुख और दुख के विच ही जो है मनुख की जिंदगी है वह घूमती है। परंतु इत्थे बैंथम यह दसना भुल गए कि सुख किन्ना होना चाहिए है, किस तरह का सुख होना चाहिए है, तो कैड़ियाँ चीज़ा हैं जिन्हों ना जिन्हों की प्राप्ति हो दुख मिलता है। उन्होंने अपने वालों सुख और दुख में मापन के पैमाने तो पेश किए, परंतु आलोचकों द्वारा आलोचना की गई कि सुख नू किस तरह मापिया जाए, क्योंकि पहले पहले असी कोई चीज़ करते हैं सानू सुख की प्राप्ति होंदी है, परंतु वही सुख दुख का रूप धारण कर लैंदा है जदों असी उस सुख नू ज़्यादा देर तक हंडा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ है ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहिंदी। इस करके आलोचकों द्वारा ही कहा गया कि सुख किस तरह का होना चाहिए है, किस सुख का पैमाना की होना चाहिए है, किस सुख की गल बैंथम करते हैं, इसका कोई उन्होंने मेजरमेंट जो भी दिता है वह सिरे तो ही आलोचकों वालों खारिज किया गया। परंतु जे एस मिल ने उस उन्होंने उपयोगितावाद के सिद्धांत को ही दोबारा तो शोध करके पेश किया और अपने विचार पेश किए, इस करके उन्होंने रिविजनिज्म के नाम नाल भी यह जाने जाता है। इतने बैंथम एक बैंथम के उपयोगितावाद के उदाहरण ले लिए, मान लो कि तुहाडे एग्जाम ही चल रहे हैं, तो इस विच सुख की प्राप्ति यह है कि तुहाडे पेपर चल रहे हैं, तुहानू पता अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो असीं नैक्सट क्लास में प्रमोट होवांगे। परंतु दुख की गल यह भी है कि मान लो कई बच्चे एग्जाम नू क्लीयर नहीं कर पाते तो उन्हों का नतीजा चंगा नहीं निकलता, इस करके सुख ही दुख विच बदल जाता है। तो इस ही धारणा नू लैके मिल ने पकड़िया, होर आलोचकों ने पकड़िया, मिल ने जो है बैंथम की उपयोगितावाद विच जो है वह
सोध की समाजवादियों द्वारा, मानववादियों द्वारा, आशावादियों द्वारा, जो है आलोचकों द्वारा जो है बैंथम की भरपूर आलोचना की गई, परंतु मिल द्वारा बैंथम प्रोटेक्ट किया गया अते उन्ना दे उपयोगितावाद विच सोध करके एक नवा रूप जो है वह पेश किया, जिसनों यूटिलिटरिज्म कहा जाता है जा सोधवादी रूप कहा जाता है। हुण असी मिल ने जो उपयोगितावाद का जो है रूप पेश किया उस बारे विचार पूर्वक चर्चा करांगे। तो आओ देखते हाँ सब तो पहले जे एस मिल बारे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आप जी ने देना है तो आप जी ने राइटर के बारे जानकारी देनी ही पेगी, अगर आप जी ने 16 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यही रूल हुंदा है कि आप जी क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करते हो, इंट्रोडक्शन देंदे हो, सारांश देंदे हो, उस दे विच जो आपनूं पूछा जांदा उस बारे देंदे हो, तो आप जी के मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं। बाकी लिखने का तरीका हर एक इंसान का अपना हुंदा है, तो लिखना आपने अपने तरीके नाल है, साडी जिन्नी भी कोशिश हो सकती है असीं उस तरीके नाल ही आप जी नूं क्वेश्चन देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हाँ। 19वीं शताब्दी के महान आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक चिंतक या फिलोसफर जोहन स्टुअर्ट मिल, जिन्हों बाद जिन्हों का नाम जे एस मिल के नाम नाल भी जाना जाता है, दा जन्म लंडन विच होया। आप जी अंतिम उपयोगितावादी विचारक होए, जिस तरह की पहले विचारक बैंथम जी नूं मन्या जाता है, बैंथम तो पहला भी उपयोगितावाद नूं पेश किया गया सी, परंतु बैंथम ने एक्शन नूं प्रमोट करन दी गल कीती सी कि किरिया नूं करना है, किरिया नूं करके ही सुख की प्राप्ति होएगी, इस करके पहला उपयोगितावाद फादर ऑफ यूटिलिटरिज्म बैंथम नूं मन्या जाता है, परंतु अंतिम जो है वह उपयोगितावादी विचारक जिहड़े आ जे एस मिल नूं मन्या जाता है। आप जी नूं उपयोगितावादी अते व्यक्तिवादी विचारक होण दा मोढ़ी होण दा मान प्राप्त है। आरंभिक अते अंतिम जो है आप जी विचारक होए उपयोगितावाद उपयोगितावाद दे समाजवाद दे। ते इस तरह आप जी का जन्म जो है 26 मई 1806 ईस्वी नूं होया जेम्स मिल दे घर। जेम्स मिल जिस तरह कि आप जी ने पहले भी दसिया कि बैंथम के दोस्त सन, तो आप जी के फादर भी सन, इस करके आप जी का घर है वह लंडन विच ही होया जेम्स मिल दे घर। जेड़े जेम्स मिल हैं अगे देखो एक डायग्राम द्वारा भी आप एग्जाम विच दे सकते हो, क्योंकि डायग्राम देंदे हो तो एग्जामिनर का एक तो टाइम वेस्ट नहीं होता, एक दिन साफ स्पष्ट समझ आ जाता है कि हाँ बच्चा की दसना चाह रहा है, की समझाना चाह रहा है। तो जेम्स मिल और जर्मी बैंथम आपस में क्लोज फ्रेंड सन, तो जे एस मिल जेडे जेम्स मिल के बच्चे सन, तो उधरों जर्मी बैंथम दे स्टूडेंट भी सन। तो जे एस मिल की जो शिक्षा का प्रबंध है, सिक्ख्या का प्रबंध है, घर में ही किया गया। 15 साल की उम्र में आप एडम स्मिथ रिकार्डो दिया अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक जो कि तर्कशास्त्र के मनोविज्ञान के नाल भी संबंधित सन, डूंगे विषयों का अध्ययन जो आप जी द्वारा करवाया गया आप जी के फादर के कहने जर्मी बैंथम द्वारा। 16 साल की उम्र में ही पिता ने आप जी ने उम्र तो वध एजुकेशन दे के, जा इस तरह कहा जा सकता है कि एक बच्चे नूं एक बुजुर्ग विद्वान बनन दा जो है वह रुतबा जिहड़ा वह दे दिता, क्योंकि 16 साल की उम्र में ही आप जी ने अर्थशास्त्र मनोविज्ञान आदि नाल रिकार्डो जिहड़े महान अर्थशास्त्री होए इन्हां दीआं महान पुस्तकां पढ़ा के आप जी का माइंड इन्ना कि मैच्योर बना दिता आप जी के फादर ने कि आप जी नूं एक बुजुर्ग विद्वान जिहड़ा वह कहा जाण लग पिया। इत्थे क्वेश्चन आप जी का एग्जाम दे विच वी पूछा जा सकदा है, जो कंपीटेटिव एग्जाम आप जी नूं करवाया जाता है कि बुजुर्ग विद्वान होण दा मान किहनूं प्राप्त है। चलो वैसे तो एक बच्चे लिए गलत ही है, परंतु अज के समय नाल देखा जाए तो एक मान की गल भी सी, क्योंकि आप जी उस टाइम बहुत अगाह वादू जिहड़ियां पुस्तकां एक उस 16 साल की उम्र में आप एक विद्वान बन चुके सन, एक आप जी लिए प्राउड वाली गल भी सी। तो 17 साल की उम्र में ही आपनू 1856 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वह प्रमुख बना दिता गया, परंतु आप जी नूं पता है 1857 स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया सी, इस करके कंपनी का कार्यकार जो है वह भंग हो गया, तो इतने ही आप जी का जिहड़ा वह कंपनी का कार्यकार संभालन जिहड़ा वह काम समाप्त हो गया। 1851 आप दा विआह श्रीमती हैरियस्ट टेलर नाल होया। 1858 टेलर की मौत हो गई। 1856 तो 1868 ईस्वी आप बरतानी संसद के कामन सदन के मैंबर भी रहे। इतने ही आपने आयरलैंड भूमि सुधार किसान के हालात बारे औरतों के मताधिकार बारे अपने जो है विचार पेश किए। आप
प्रधानतंत्र प्रधानमंत्री जो सन उस टाइम दे ग्लैड स्टोन उन्होंने आप जी बारे विचार पेश किया। आप जी उसनों इनवाइटेड कौमिया उन्होंने लिया होया है। जदों कदे भी मैं जोहन मिल दे भाषण दे रहा हूँ तो मेरे मन विच यह विचार बार बार यह भावना पैदा होंदी सी कि मैं किसी संत दियां गल्लां नूं सुन रहा हाँ। तो उस समय दे जो प्रधानमंत्री सन ग्लोड स्टोन उन्होंने जो भी उस टाइम मिल दे भाषणों सुन के जो भी है महसूस किया उसनों अपने शब्दों में इनवाइटेड कौमियाज दे विच दिता। 8 मई 1873 में फ्रांस में आप दी जो है वो अविगलान विच मौत हो गई। अगे देखो जी एस मिल दियां रचनावां उन्होंने वर्कस जो उन्होंने किए द सिस्टम ऑफ लॉजिक 1843 द प्रिंसीपल ऑफ पोलीटिकल इकोनमी 1848 ऑन लिबर्टी 1859 ऑन लिबर्टी आप जी का स्वतंत्रता से जो भी ऐसे है भी बहुत आप जी का क्वेश्चन 16 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट देखो कंसनट्रेशन ऑफ रिप्रजेंटिव गौरमेंट ये भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और इसते भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन है आप जी ने एग्जाम में पूछा जाता है। ये बुक उन्होंने 1868 में दी। यूटिलिटरिज्म 1861 जिथे उन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत है आप जी ने दिता ज बैंथम के सिद्धांत में जो है शोध करके पेश किया। तो यह बुक भी आप जी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैक्सट देखो सबजैक्शन ऑफ वूमेन 1869 उन्होंने दी। तो इस तो बाद आफ्टर डैथ उन्होंने जो बेटी सी उन्होंने उन्होंने तीन पुस्तक जो है वो प्रकाशित करवाइया। तो उन्होंने सैवंथ बुक सी ऑटोबायोग्राफी 1873 थ्री एसे ऑफ रिजेक्शन 1874 नैक्सट उन्होंने बुक और लास्ट उन्होंने डैथ तो बाद जी छपी वो सी चैप्टर ऑफ सोशलिज्म 1879। नैक्सट देखो हूँ जोड़ा आप जी का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होंगे है रीस्टेटमेंट ऑफ बैंथम यूटिलिटरिज्म बैंथम के उपयोगितावाद से दोबारा विचार या पुनर्कथन ये आप जी का 16 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आप जी के सिलेबस में है। इस तो पहला जो भी इंट्रोडक्शन वर्कस जो भी जे एस मिल दिए गए हैं वो आप जी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो देने भी पैणगे क्योंकि यह जरूरी होंगे है किसी राइटर की इंट्रोडक्शन देना। इस तरीके जोड़ा क्वेश्चन आप जी का है वह इतों ही शुरू होंगे है रीस्टेटमेंट ऑफ बैंथम यूटिलिटरिज्म। तो देखो इंट्रोडक्शन भावें मिल दे पिता मिल नू बैंथम दियां राहां ते चलाना चाहते सन पर मिल ने बैंथम दे विचारां नू यूं दा त्यों स्वीकार नहीं किया बल्कि बैंथम दे विचारां विच सोध करके उपयोगितावाद नू एक नवें रूप विच पेश किया क्योंकि एक तां बैंथम दी बैंथम तो बाद बैंथम दी उपयोगितावाद दी भरपूर आलोचना होई सी अते दूजा बैंथम द्वारा पेश किए गए उपयोगितावाद के सिद्धांत के मूल ढांचे विच बदलाव करना चाहते सन जे एस मिल। इस करके दो मुख्य कारण सन नंबर फर्स्ट सी कि आलोचकों द्वारा आलोचना बहुत ज़्यादा हुई सी बैंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की क्योंकि सुख और दुख नू बैंथम की थ्यूरी जी नहीं समझा सकी सी इस करके। तो दूसरा सी उपयोगितावाद के मूल ढांचे नू जे एस मिल बदलना चाहते सन क्योंकि वह एक तो एक अपने गुरु को प्रोटेक्ट करना चाहते सन एक उन्होंने बहुत करीबी सन उन्होंने फादर के दोस्त भी सन। इस करके जो भी उन्होंने उपयोगितावाद को समझिया उस मूल ढांचे को परिवर्तन करके वह इसे पेश करना चाहते सन। मिल द्वारा उपयोगितावाद संबंधी जो है विचार जो क्वेश्चन आप जी ने इदा भी पूछा जा सकता है कि बैंथम द्वारा पेश किए गए उपयोगितावाद के सिद्धांत मिल द्वारा किए गए बदलावों बारे जो है वो जानकारी दो। तो जो पहला बदलाव जो मिल द्वारा किया गया मनुखी सुभा संबंधी बैंथम का विचार सी कि मनुख वद तो वद सुखां दी प्राप्ति करना चाहता है अते इन्हां सुखां दी प्राप्ति लई मनुखां विच स्वार्थ की भावना का विकास होंदा है परंतु मिल ने बैंथम के विचारां विच सोध कीती अते मनुख नू स्वार्थी ना कह के उस नू हमदर्दी भरिया दस्या। मिल दा मनना है कि कई बार मनुख अपने सुखां नू भुला के दूसरे व्यक्ति दे दुखां नू घटाउण दी कोशिश करता है। तो मनुख संबंधी जो विचार सन बैंथम दे उस विच मिल द्वारा जो परिवर्तन करके उस नू द्वारा तो पेश किया गया अते बैंथम दे जो व्यक्ति नू जो है वो स्वार्थी दस्या गया सी मिल ने इस विच बदलाव ये किया कि स्वार्थी की जगह ते हमदर्दी वाला शब्द जो है वो वरत के उपयोगितावाद नू सोध करके जो है पेश किया गया। तो दूसरा सी सुख दे गुणात्मक पक्ष ते ज़्यादा जोर बैंथम दा विचार सी कि सारे
ਸੁੱਖ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ। ਬੈਂਥਮ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਥਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਖੇਡੋ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਬੈਂਥਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਥਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਥਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਤਾਂ ਬੈਂਥਮ ਸੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲ ਨੇ ਬੈਂਥਮ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਜਾਂ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੈਂਥਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੱਸੇ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਥਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਥਮ ਨੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲੋਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁੱਖ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਬੈਂਥਮ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਧ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਥਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ। ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬੈਂਥਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਰਾਜ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸੰਗਠਨ। ਬੈਂਥਮ ਆਪਣੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਥਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਮਿਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਿਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਂਥਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਥਮ ਜੋ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਥਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਥਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੇ
जीवन जिस तरह का मर्जी बिताए अते व्यक्ति नूं उसके जीवन विच खुला छड्ड देना चाहिए है अते इस नीति का ही पालन पालन जो है वो करना चाहिए है। इस करके शायद बैंथम नूं मनोविज्ञानकार होने का माण भी प्राप्त है क्योंकि वह व्यक्ति की मनोविज्ञान नूं समझ के गल करते हैं। परंतु मिल का मानना है कि जेकर व्यक्ति नूं उसके जीवन विच खुला छड्ड दिता जाएगा तो मनुख अपन कई जिम्मेवारियों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। बैंथम के खुला छड्ड देन के दे विचार की जी आलोचकों द्वारा भरपूर जी आलोचना की गई सी क्योंकि आलोचकों का मानना है कि अगर व्यक्ति उसके जीवन में उसको खुला छड्ड दिया जाए तो व्यक्ति अपनी सोच तो वध सोचेगा अपनी सोच तो वध काम करेगा और उसको डर ही नहीं होगा किसी गल का। तो इस तरह समाज में जी अराजकता फैल जाएगी एक समृद्ध राज का विकास जो नहीं हो सकेगा। इस करके मिल द्वारा भी बैंथम दे जेडे इसकी आलोचना की गई अपने विचारों द्वारा तो पेश किया गया। नैक्सट देखो समाजिक संस्थावां मनुखी इच्छा का सिट्टा हैं। बैंथम का मानना है कि राज विच जो कुछ भी समाजिक संस्था होंद विच आउंदी है वह मनुखी हितां दा सिट्टा है। परंतु मिल का मानना है कि समाज विच जो भी संस्था होंद विच आउंदी है वह मनुखी इच्छा का सिट्टा है। दोनों की सोच विच फर्क सी कि बैंथम का मानना सी कि मनुखी हितां दा सिट्टा है जो है राज समाजिक संस्था। परंतु मिल का मानना है कि मनुखी इच्छा का सिट्टा है मनुख की इच्छा सी तो राज समाजिक संस्थावां दा जो है विकास होया उदय होया। इस करके मिल द्वारा जो है सोध की गई बैंथम के इस विचार विच। नैक्सट देखो लोकतंत्र संबंधी पुनर्विचार। बैंथम लोकतंत्र शासन प्रणाली का समर्थक सी। बैंथम लोकतंत्र नूं मनुखी सुभाव दे अनुकूल मानदा सी। बैंथम मत दे अधिकार का समर्थन भी करता सी। बैंथम का मानना है कि लोकतंत्रीय प्रणाली विच ही मनुख सुखी रह सकता है। परंतु भावें लोकतंत्रीय प्रणाली का मिल द्वारा भी समर्थन किया गया परंतु सारे लोग ते राज लोकतंत्र शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं होंगे। समर्थन दोनों ने ही किया परंतु जो बैंथम है लोकतंत्र नूं ज़्यादा मानता देंदे हन उह कहिंदे हन सिर्फ लोकतंत्र विच ही जो मनुख सुखी रह सकता है। परंतु मिल का मानना सी कि सारे लोग अते राज जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली के अनुकूल नहीं होंगे। सारे ही लोकतंत्र शासन प्रणाली नूं नहीं मानते क्योंकि सिर्फ भारत विच अते कुछ होर देशों में लोकतंत्री शासन प्रणाली नूं मानता प्राप्त है। बहुत सारे अजिहे देश हैं जिथे राष्ट्रपति राज जो है वह चलता है। इस करके बैंथम दे विचार नूं मिल ने सर अराउंड हर पासे नज़र मार के देखिया अते इस विच सोध जो है वह पेश की। नैक्सट देखो सुतंत्रता संबंधी विचार। बैंथम सुतंत्रता दे दा समर्थक है। बैंथम का मानना है कि जिन्नी देर तक व्यक्ति सुतंत्र है वह हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकता है। परंतु मिल सुतंत्रता का समर्थक तो है परंतु मिल सुतंत्रता मनुखी विकास लई बहुत जरूरी मानता है परंतु उपयोगितावाद लई नहीं। जिस तरह की बैंथम का मानना है कि जो उपयोगितावाद है उस लई जो है सुतंत्रता का समर्थन वह करते हैं। वह कहते हैं सुतंत्रता जो है उपयोगितावाद लई बहुत जरूरी है। व्यक्ति सुतंत्र होएगा तो ही उन्हें सुखों की प्राप्ति होएगी। परंतु मिल का मानना है कि सुतंत्रता होनी चाहिए है परंतु उपयोगितावाद लई ही नहीं सुख अते दुख लई नहीं बल्कि हरेक चीज लई जिहड़ी है वह सुतंत्रता होनी चाहिए है। केवल उपयोगितावाद प्लेजर अते पेन लई ही सुतंत्रता नूं नहीं देखा जा सकता। जनतक हितां नूं महत्व। मिल ने अपने उपयोगितावाद दे विचारां विच निजी हितां दी थां ते जनतक हितां नूं महत्व दिता है। जिथे बैंथम बाहरी अनुभव बाहरी जनतक हितां दी गल करदे हन उत्थे मिल अंदरूनी हितां नूं महत्ता देंदे हन। तां इह सी बैंथम द्वारा सोध जो है मिल द्वारा जो है सोध कीती गई बैंथम दे विचारां विच। रिविजनिज़म नूं पेश कीता गया मूड विचारां नूं दे दिता गया सोध कीती गई। बैंथम दे विचारां नूं खत्म नहीं कीता गया बल्कि अपने विचारां नूं विच जोड़ के बैंथम दे यूटिलिटेरिज़म नूं इक कह सकदे इक पक्के तौर विच पेश कीता जां उसदे महत्व नूं वी वधाया। आलोचना तो होंदी ही है किसी गल की परंतु आलोचना तो बाद उस चीज़ नूं दोबारा तो पेश कीता जाए तो उसका फिर मज़ा ही कुछ होर हुंदा है। उस चीज़ नाल जिहड़ा पहला बंदा है वह भी अमर हुंदा है। तो मान लो कि मिल दे आलोचना के कारण बैंथम भी अमर हन अते बैंथम भी संसार दे ऋणी हन जां संसार बैंथम दे विचारां दा ऋणी है इदां कह लो तुसीं। सिट्टा देखो उपरोक्त सारी विचार चर्चा तो बाद असीं कह सकते हां कि बैंथम द्वारा पेश किए गए सुख अते दुखां दी प्राप्ति लई पेश किए उपयोगितावाद दे सिद्धांत नूं
मुड़ विचार किया गया अते विचार पेश किया गया मिल द्वारा बैंथम की तरह, जो हुण मिल भी उपयोगितावाद का समर्थक सी, परंतु बैंथम के उपयोगितावाद विच बहुत सारिया कमियां सन जिन्हां नूं मिल द्वारा देखा गया, परख्या गया आते मुड़ विचार पेश किया गया। मिल द्वारा बैंथम के उपयोगितावाद ते मुड़ विचार जा पुनर कथन जो है पेश किया गया, मोटे मोटे शब्दों में देख लो इस प्रकार है। नंबर एक है, मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांत की आधारशिला ही बदल के रख दिता। नंबर दो, नैतिकता नवा आधार दिता। नंबर तीन, मिल ने लोकतंत्र का नवा आधार पेश किया ज लोकतंत्र नवे रूप में पेश किया। नंबर चार, ना दखल देन की नीति विच सोध की। नंबर पांच, सुतंत्रता संबंधी विचार विच सोध पेश की। नंबर छे, जनतक हितों का समर्थन किया। परंतु फिर भी मिल बैंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत विच सोध करदा करदा होया आप भी आलोचकां दी आलोचना का शिकार हो जाता है। भावें बैंथम के उपयोगितावाद का सिद्धांत संशोधन की मंग करदा सी अते सोध भी जरूरी सी, बेशक मिल दी भी आलोचना की गई, परंतु सारी विचार चर्चा तो बाद असी यह कहा जा सकता है कि भावें उपयोगितावाद संबंधी विचार की काफ़ी आलोचना हुई है, परंतु मिल द्वारा बैंथम के विचार पढ़िया अते विचारिया गया अते उस तो बाद ही उपयोगितावाद विच संशोधन किया गया। मिल दे विचारां दा धूरा ही अपने पिता अते बैंथम दे विचारां दे आले दुआले घूमिया, इसलिए सुभाविक ही सी कि मिल बैंथम दे विचारां नूं सोध करन विच पूरी तरह खरा उतरिया। बैंथम दा करीबी होण दे कारण मिल दे विचारां विच ईमानदारी दा तत्व भी भरपूर मात्रा विच पाया जांदा है। इत्थे आप जी नूं इक गल सोचण विच आई होएगी कि पहले बैंथम की आलोचना की गई, फिर मिल की आलोचना का विचार क्यों आया आलोचकों के मन में, कि अगर एक आलोचक जिहड़े हन बैंथम की आलोचना करते हैं तो फिर मिल की आलोचना क्यों की गई, क्योंकि मिल द्वारा तो सोध की गई सी। परंतु इतने आप जी ने यह गल ध्यान में रखनी होगी, आप जी मास्टर्स कर रहे हो कि आलोचना हर प्रकार की हर तरीके होंगी, हर प्रकार की चीज़ में होंगी है। आप जी चाहे उसको सही तरीके किसी गल पेश करो या गलत तरीके पेश करो तो संसार भर में आलोचना का मुद्दा जो है वह चलता ही रहता है। राजनीतिक पार्टियां होन या एक किसी भी विषय में आप जी ले लो तो आलोचना जो है वह हर प्रकार होंगी ही है। इस करके पहला बैंथम की आलोचना हुई, आलोचकों को देखते हुए मिल द्वारा बैंथम के विचार में सोध की गई, क्योंकि एक तो वह मिल बैंथम के बहुत ज़्यादा करीबी सन अते उन्होंने स्टूडेंट भी सन, इस करके वह बैंथम के उपयोगितावाद को खत्म नहीं करना चाहते सन, क्योंकि बैंथम एक पहले ऐसे उपयोगितावादी राइटर होए सन जिन्होंने एक्शन को प्रमोट करने की गल की सी अते उन्होंने इस एक्शन को प्रमोट करने की प्रक्रिया उसकी बहुत सराहना भी की गई सी, क्योंकि पहला विशा सी एक नवा विशा सी जिस ते बैंथम ने अपने विचार पेश किए सन। इस करके मिल जो है उपयोगितावाद के विचार खत्म नहीं करना चाहते सन, बेशक उन्हों की आलोचना की गई सी, क्योंकि कई आलोचकों ने उन्होंने मूर्ख तक कह दिता कि सुख या दुख एक आम जी धारणा है जिहड़े मनुख के जीवन में आते ही रहते हैं, परंतु कभी भी किसी ने इस प्रक्रिया के रूप में पेश नहीं किया जो बैंथम ने किया। इस करके मिल ने बैंथम के विचार खत्म ना करते हुए उस सोध करके अपने विचार पेश किए अते बैंथम नू उपयोगितावाद के सिद्धांत विच अमर बनाया आते आप भी उन्होंने नाल अमर होए, क्योंकि एक नवी धारणा सी राजनीतिक दर्शन के विच। बहुत सारे ने राज बारे लिखिया, सरकारां बारे लिखिया, परंतु मनुख के भौतिकवादी सुखों बारे किसी दार्शनिक ने गल नहीं की सी अते इस करके मिल द्वारा जो है सोध की गई इसकी बहुत सराहना। बेशक मिल की भी आलोचना हुई, परंतु मिल ने जिहड़ी उपयोगितावाद दे नाल संबंधित जो है सोध की उसनों बहुत सराहया गया। अते मैक्सी दे शब्दों में देखो इनवाइटेड कोमिया विच लिखते हैं, मिल दे उपयोगितावादी पुनर समीख्या विच बैंथम दियां धारणावां दा बहुत घट भाग रह गया है। इत्थे मिल की सराहना आप कह सकते हो कि मैक्सी द्वारा की गई प्रशंसा की गई मिल की, कि जो मिल ने उपयोगितावाद का सिद्धांत पेश किया गया उत्थे बैंथम दियां जो धारणावां उपयोगितावाद नाल संबंधित पेश कीतियां गईयां सन उन्हां दा बहुत भाग घट रह गया, मतलब कि उन्होंने जो धुरा है वह बहुत घट रह गया, क्योंकि उन्होंने नवे रूप में पेश किया।
ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੀ ਮਿਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਂਥਮ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਦ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 16 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 2 ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਲਿਬਰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੀ ਐੱਸ ਮਿਲ ਦਾ ਪਾਰਟ 1 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਮਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੂ ਬੂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।